हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्म। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले फॉर्मुलेशंस ऑफ टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स, जो इससे पहले हमने यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स कवर किया था जिसमें कि हमने यूनिट फिफ्थ आपकी स्टार्ट की थी फार्मास्यूटिक्स में। तो फ्रेंड्स, डिफार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स की फिफ्थ यूनिट हमने यहाँ पर स्टार्ट की जिसमें कि पार्ट वन हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसमें फ्रेंड्स हमने यहाँ पे टैबलेट्स आपके स्टार्ट की जिसमें इसके डेफिनेशन, साथ ही में इसकी जो एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस एंड इसका क्लासिफिकेशंस फ्रेंड्स फुल्ली डिटेल्स में हमने वहाँ पे कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, इस वजह से आई थिंक कुछ बच्चे उसको देखने में बोर भी हो गए होंगे, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो होती है फ्रेंड्स। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक आप उससे फोकस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, आप उसको क्या कर सकते हैं, पार्ट्स वाइज उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप उसके डेफिनेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस देख लें, और साथ ही में फ्रेंड्स नेक्स्ट आप उसका क्लासिफिकेशंस पढ़ लें। इस तरह से आप फ्रेंड्स पूरी वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम स्टार्ट करें फॉर्मुलेशंस ऑफ टैबलेट्स, यानी फ्रेंड्स ये अदर नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। तो फ्रेंड्स, दोनों ही नाम से आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आप कन्फ्यूज ना हो फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर ये जो हम पढ़ा रहे हैं यही सिमिलर आपको लिख के आना है। फ्रेंड्स, क्या होता है फॉर्मुलेशंस, क्या होती है यानी किस किस तरह से हम टैबलेट्स को एक प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसमें यूज़ करते हैं, देन फ्रेंड्स क्या क्या स्टेप होते हैं, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट देख लेते हैं, इसकी थोड़ी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। टैबलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रैनुलेशन टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स, टैबलेट्स को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्रैनुलेशन टेक्निक्स के थ्रू किया जाता है, विच कैन बी कैरीड आउट बाई फॉलोइंग थ्री मैथड्स। तो फ्रेंड्स, ओनली थ्री मैथड्स होते हैं जिसके थ्रू किसी भी टैबलेट्स को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, जिसके फर्स्ट हो रही फ्रेंड्स यहाँ पे वेट ग्रैनुलेशंस, देन सेकंड यहाँ पे होती है ड्राई ग्रैनुलेशन, देन फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पे होती है डायरेक्ट कंपेरिजन मैथड। तो फ्रेंड्स, ये थ्री मैथड्स जो हमें यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स के अंदर हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम इसमें देख लेते हैं, चलिए ग्रैनुलेशन हमारा क्या होता है, क्योंकि ग्रैनुलेशन आपके समझ में आएगा जब भी आपको जो फ्रेंड्स ये मेथड थी जब आपको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। तो फ्रेंड्स, तीनों में क्या होता है, पहले हमें पाउडर से ग्रैन्यूल्स बनाने पड़ेंगे, देन ग्रैन्यूल्स के बाद में उसको कंप्रेस करके टैबलेट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखें फ्रेंड्स इसमें ग्रैनुलेशन क्या होती है। तो ग्रैनुलेशन फ्रेंड्स एक ऐसी प्रोसेस होती है, यानी ग्रैनुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फाइन पाउडर्स ऑफ ड्रग्स इस कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्रेन्यूल। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग्स के जो पाउडर्स होते हैं यानी फाइन पार्टिकल्स, उनको क्या कर दिया जाता है, ग्रेनुलेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, क्या है ये आपकी ग्रेनुलेशन प्रोसेस है। देन फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, यहाँ पहले ग्रेन्यूल्स बनाने, तो फ्रेंड्स जो ग्रेनुलेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, आप ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पाउडर्स लेते हैं। अभी पाउडर किस चीज़ का होता है, जैसे कि जो ड्रग्स आपको प्रिपेयर करनी उस ड्रग्स को पाउडर के फॉर्म में यहाँ फ्रेंड्स फर्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपने ड्रग्स का पाउडर लिया, देन फ्रेंड्स सेकंड आपने उसमें एक्सीपिएंट ऐड किए। अब यहाँ पे एक्सीपिएंट्स का फ्रेंड्स मींस क्या है, जैसे कि आपके बाइंडर्स हो सकते हैं, देन जो आपके कलरिंग, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स फ्रेंड्स जितने भी एक्सीपिएंट्स होते हैं सब यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपने दोनों को लिया फ्रेंड्स, आपने क्या किया फिर बाइंडर की हेल्प से क्या किया, यहाँ पे आपने ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर कर लिया। तो फ्रेंड्स, जब आपके ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर हो जाते हैं इसी मेथड्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रैनुलेशंस कहते हैं। देन ग्रैन्यूल्स के बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, इनको पंचिंग मशीन की हेल्प से हम टैबलेट्स की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाता है, आपकी ग्रैनुलेशंस प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हमने आप लिखी हुई, आप चाहें तो अपने डिजायर के अकॉर्डिंग इसको भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक वेट ग्रैनुलेशंस, यानी आज इस लेक्चर्स में जो फ्रेंड्स वेट ग्रैनुलेशंस को हम पूरा ही कंप्लीट यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट इसके बारे में फ्रेंड्स टू लाइन्स देख लेते हैं, जैसे कि इन दिस प्रोसेस वी यूज़ बाइंडर सॉल्यूशंस इन वेट फॉर्म। तो फ्रेंड्स, क्या होता है आपका जो बाइंडर सॉल्यूशन है ये ऐसा नहीं कि वेट फॉर्म या ड्राई फॉर्म दोनों में मतलब एक साथ अवेलेबल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वैसे तो ये ड्राई फॉर्म में ही होता है, यानी क्या है ये ड्राई फॉर्म में होता है आपका जो होता है यहाँ पे बाइंडर। देन फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस में आप यूज़ कर रहे हैं इसका, तो आपको वेट फॉर्म में इसको लेना पड़ेगा। अब इसको ड्राई से आप वेट में कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर ड्राई बाइंडर फ्रेंड्स आप ले लेते हैं, एंड ड्राई बाइंडर के साथ क्या करते हैं आप इसको ऐड करते थे सॉल्यूशन में किसी, तो जो सॉल्यूशन होता है फ्रेंड्स उसकी प्रेजेंस में आता है और साथ में मिक्स होने से क्या होता है ये वेट फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं वेट बाइंडर यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो बाइंडर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसको वेट फॉर्म में यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ये जो वेट ग्रैनुलेशन की प्रोसेस होती है इसको इसमें क्या किया है यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है, यानी स्टेप्स आपके कंप्लीट्स होते हैं जब जाके आपके जो ग्रैनुलेशन प्रोसेस है यानी ड्राई ग्रैन्यूल्स आपको ऑब्टेन होते हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स चलिए इसको इस तरह से हम समझ लेते हैं, यानी प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ आप अच्छे से समझते हैं तो फ्रेंड्स इजीली आपको समझ में आ जाती है। ये क्या फ्रेंड्स आपकी वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस है। तो वेट फॉर्म में जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको फ्रेंड्स किस तरह से हम प्रिपेयर यहाँ पे करते हैं, तो आपको फर्स्ट क्या करना होता है फ्रेंड्स, आप इस टाइप से भी इसको लिखना चाहें तो ईजिली लिख सकते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट हम लेते हैं आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उनको फ्रेंड्स किस चीज़ के साथ हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे एक्सीपिएंट्स, यानी यहाँ पे एक्सीपिएंट्स आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यानी क्लियरिंग फ्लेवरिंग बाइंडर सॉल्यूशंस कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया फ्रेंड्स यहाँ पे मिक्स कर लिया। देन उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इस मिक्सचर जो होता है फ्रेंड्स मिक्सचर के फॉर्म में इसको चेंज कर लिया। देन क्या किया फ्रेंड्स आपने डैम्प मास यहाँ पे बना लिया। अब डैम्प मास फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए एक आटे की तरह, यानी आटा आपने देखा है घरों में आटा जो गूंथा जाता है फ्रेंड्स रोटी बनने से पहले, तो क्या होता है ये उसी फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे इसको चेंज कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स जब आपका एक डैम्प मास जो बन के पूरा ही तैयार हो जाता है, देन फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स स्क्रीनिंग करते हैं। अब स्क्रीनिंग किस तरह से करते हैं, यानी आप एक लेते हैं छलनी, आप कह सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन यानी सीव। तो सीव जो होती है थोड़ी बड़े टाइप की होती है, यानी इसके होल्स जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े मतलब साइज़ में बड़े होते हैं। तो आप क्या करते हैं डैम्प मास को फ्रेंड्स इसके ऊपर डालते हैं, प्रेशर्स के साथ में क्या करते हैं इसकी स्क्रीनिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्क्रीनिंग करने के बाद यानी आफ्टर स्क्रीनिंग क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे वेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। अब ये जो ग्रेन्यूल्स फ्रेंड्स यहाँ पे वेट फॉर्म में, इसलिए आपको अभी क्या करना है इनको नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ करते हैं ड्राइंग करते हैं। अब ड्राइंग फ्रेंड्स किसके यूज़ से करते हैं, यानी तो क्या होगा फ्रेंड्स आपने यहाँ पे हॉट एयर ओवन होता है आपका जो फ्रेंड्स, आपने शायद उसको स्टडी किया हो या आगे आप उसको स्टडी करेंगे। तो हॉट एयर ओवन जो होता है फ्रेंड्स उसकी हेल्प से क्या करते हैं आप इन ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे ड्राइंग करते हैं। देन जब फ्रेंड्स ये ग्रेन्यूल जो होते हैं यहाँ पे पूरे ही ड्राइंग हो जाते हैं, ड्राई फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जी यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग हमने यहाँ पहले भी की थी, देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं फिर से हम इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो इस बार जो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ये जो साइज़ होगा यहाँ पे स्क्रीन का थोड़ा कम होगा, जिससे कि हमें जो हमें जितने फॉर्म में यहाँ पे ग्रेन्यूल्स चाहिए, यानी एक फ्रेंड्स फिक्स फॉर्म के ग्रेन्यूल्स हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाते हैं। जब ग्रेन्यूल्स आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्टेन हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप इसमें लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट जो है आप इसमें मिक्स कर देते हैं, देन बाद में फ्रेंड्स आपको ग्रेन्यूल्स यहाँ पे ऑब्टेन हो जाते हैं, जिसको आप कंपेरिजन मेथड्स के थ्रू यानी पंचिंग मशीन के थ्रू टेबलेट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो इसका हो गया, यानी स्ट्रक्चर्स के बेस से आपको हमने इसको समझा दिया। देन चल देख लेते हैं आप इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको पहले इसको फर्स्टली आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, देन आप चाहें तो डायरेक्टली इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज यू विश फ्रेंड्स, जिस तरह से आप चाहें जिस तरह से आपको अच्छा लगे इस तरह से लिख सकते हैं। चल फर्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो इसको पूरा ही डिटेल्स में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वी हैव टू वेट द रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ एपीआई यानी मेडिकामेंट्स एंड ऑल एक्सीपिएंट्स। तो फ्रेंड्स क्या करना है हमें एक टेबलेट्स यहाँ पे बनानी है। अब टेबलेट बनाने से क्या करना है, उससे पहले हमें ग्रेन्यूल्स यहाँ पे बनाने, तो उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं फ्रेंड्स, यानी जो हमें जितनी अमाउंट्स में हमें पाउडर चाहिए किसी भी ड्रग्स का फ्रेंड्स वो हम लेंगे, साथ ही में हम क्या करेंगे रिक्वायर अमाउंट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एक्सीपिएंट्स हमें चाहिए उसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ करेंगे, नाउ दिस एक्सीपिएंट्स सच एज ए डाइल्यूएंट्स एंड हाल्फ अमाउंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। तो आपके एक्सीपिएंट्स जो हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स भी आपके हो सकते हैं, साथ में डाइल्यूएंट्स भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो फिर जो डिसइंटीग्रेटिंग्स होंगे इनकी क्या करेंगे आप यहाँ पे हाफ अमाउंट लेंगे। अब यहाँ पे हाफ अमाउंट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे भी हम इसके बचा कर रखते हैं जिसको आगे हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं इसमें मिक्स कर देंगे एपीआई में थ्रो ब्लेंडर वीकॉन ब्लेंडर। फ्रेंड्स ये जो होता है इसका डायग्राम जो हमने यहाँ पे बना हुआ है, यानी क्या होता है ये आपका वीकॉन ब्लेंडर्स होता है। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर जो है आपको पूरी प्रोसेस हम सारे पॉइंट्स फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे बताएंगे। देन फ्रेंड्स क्या होता है इसके डेफिनेशन हमने यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखी है, आप चाहें तो इस पॉइंट्स को हिंदी प्लस इंग्लिश में भी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिपेयरिंग ए डैम्प मास, यानी फ्रेंड्स आपकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे अब एक डैम्प मास यहाँ पे प्रिपेशन करेंगे। अब डैम्प मास फ्रेंड्स किस तरह से हम यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, नाउ दिस मिक्सचर्स वी हैव टू एड द सॉल्यूशंस ऑफ बाइंडर टू मेक ए डैम्प मास। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास मिक्सचर्स यानी जो मिक्सचर्स हमने यहाँ पे पूरा ही प्रिपेयर किया है उसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स हम ऐड कर देंगे एक सॉल्यूशंस में ऑफ बाइंडर, यानी बाइंडर सॉल्यूशन क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे और बना लेंगे एक डैम्प मास। तो फ्रेंड्स डैम्प मास किस तरह का आपका होता है, यानी इस तरह का फ्रेंड्स आपका एक होता है डैम्प मास। तो फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको हिंदी प्लस इंग्लिश में किस तरह से लिख सकते हैं लिखना चाहें तो इस यानी इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं जो मिक्सचर्स होता है उसको सॉल्यूशंस के अंदर ऐड कर देते हैं और अपना डैम्प मास यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हैं। देन थर्ड यहाँ पर हम देख लेते हैं वेट स्क्रीनिंग। तो फ्रेंड्स क्या है कि
आपने क्या किया, आपका डैम्प मास जो बनकर प्रिपेयर हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं आप एक स्क्रीन लेते हैं फ्रेंड्स, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं इसको पास कराते हैं। अब पास करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपको वेट फॉर्म में यहाँ पर ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, जैसे कि नाउ दिस डैम्प मास इज स्क्रीन्ड यूजिंग सीव विद द हेल्प ऑफ हैंड और सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड फॉर्म्स ग्रेन्यूल्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें भी एक स्क्रीन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, जो हमारे डैम्प यहाँ पे मास होता है उसको उसके थ्रू पास कर देते हैं, और साथ में फ्रेंड्स किसी भी इक्विपमेंट्स की हेल्प से एंड सीव की हेल्प से क्या करते हैं, हम उनको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स में। तो फ्रेंड्स इसको आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस स्टेप्स के अंदर जो हमारा डैम्प मास होता है उसको हम सीव के थ्रू पास करा देते हैं और अपने ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ड्राइंग। तो फ्रेंड्स ड्राइंग जो प्रोसेस होती है आपकी, यानी जो वेट ग्रेन्यूल्स आपके बन के प्रिपेयर हो गए उसके बाद होती है, यानी जो आपके वेट ग्रेन्यूल्स हैं उनको ड्राई करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि नाउ दिस वेट ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड इन हॉट एयर ओवन 860 डिग्री टेम्परेचर एडजस्ट। फ्रेंड्स क्या होता है, आपके पास जो हॉट एयर ओवन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, आप जो वेट फॉर्म में आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको उसके अंदर रख देते हैं, यानी एक प्लेट के थ्रू आप क्या करते हैं फ्रेंड्स उसको अंदर उसके रख देते हैं, जिससे क्या होता है हीट के थ्रू आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ड्राई फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे हॉट एयर ओवन है उसका जो टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। देन फ्रेंड्स आप इस स्टेप्स को हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारे वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको हम हॉट एयर ओवन की हेल्प से ड्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। देन फिफ्थ आपकी पॉइंट्स आ जाती है यहाँ पे ड्राई स्क्रीनिंग। तो फ्रेंड्स एक तो आपके इससे पहले जो फर्स्ट स्क्रीनिंग, तो उसमें क्या था आपके जो ग्रेन्यूल्स जो थे वहाँ पर वेट फॉर्म में चेंज हो रहे थे। देन यहाँ पर जो आपकी स्क्रीनिंग हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके ड्राई ग्रेन्यूल्स आपको ऑब्टेन हुए हैं उसकी हम री यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हैं। After drying, these granules are screened through a sieve to get uniform size granules. तो फ्रेंड्स ये जो आपकी यहाँ पे सीव होती है इसके जो होल्स होते हैं, यानी जो इसके इस साइज़ के होल्स होते हैं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रेन्यूल्स यहाँ पे ऑब्टेन हो सके। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आप जब आपको यह ग्रेन्यूल्स यहाँ पे ऑब्टेन हो जाते हैं यूनिफॉर्म साइज़ के, देन फ्रेंड्स उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका करते हैं लुब्रिकेशन। देन फ्रेंड्स इस पॉइंट जो आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ड्राइंग के बाद क्या करते हैं हम जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं उसकी हम री स्क्रीनिंग यहाँ पे कराते हैं, जिससे कि हमें यूनिफॉर्म साइज़ के ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन हो जाते हैं, यानी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें आप देख लेते हैं लुब्रिकेशन। तो फ्रेंड्स ये लुब्रिकेशन जो प्रोसेस होती है, यानी आपके ड्राई फॉर्म में जो ग्रेन्यूल्स आपने ऑब्टेन किए हैं उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप एक लुब्रिकेंट उसमें मिलाते हैं, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड्स वो एक जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर वहाँ पे आ जाती है, जिससे कि आपके टेबलेट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। नाउ दिस ग्रेन्यूल्स मिक्स्ड विद ग्लाइडेंट एंड एड लुब्रिकेंट्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपके यहाँ पे वेट फॉर्म में यानी ड्राई फॉर्म में आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको मिक्स कर देते हैं ग्लाइडेंट के साथ में एंड ऐड करते हैं उसमें लुब्रिकेंट्स। एंड जो आपका हाफ अमाउंट फ्रेंड्स हमने आपके लिए थी फर्स्ट स्टार्टिंग में, देन जो उसमें से हाफ अमाउंट बची हुई थी हमारे डिसइंटीग्रेंट्स की, उसको भी क्या कर देते हैं फ्रेंड्स इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारे यानी ड्राई फॉर्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको ग्लाइडेंट के साथ में मिक्स कर देते हैं और उसमें लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। देन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स, इसमें जो हमारे रिमेनिंग अमाउंट्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होता है उसको हम इसके साथ में मिला देते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप इसके यहाँ पर डेफिनेशंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स लास्ट में हमारा आता है यहाँ पे कंपरीजन्स। तो कंपरीजन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल लास्ट इस प्रोसेस का स्टेप्स है, यानी जो आपकी वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस होती है इसके लास्ट स्टेप्स यहाँ पर होता है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर टेबलेट्स प्रिपेयर करते हैं। नाउ कंप्रेस दिस ग्रेन्यूल्स इंटू डिजायर्ड पंचिंग मशीन्स टू गिव प्रॉपर शेप एंड साइज टू गेट द टेबलेट। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो आपकी कंप्रेशन यहाँ पे प्रोसेस होती है इसमें क्या करते हैं, हम जो ग्रेन्यूल्स आपके यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं उसको क्या करते हैं पंचिंग मशीन की हेल्प से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स इसको टेबलेट्स की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरे ही 8 के 8 पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स देन फिर भी आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो चलिए स्ट्रक्चर्स के बेस से इसको दोबारा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पे ड्रग लेना है पाउडर फॉर्म में, यानी जिस ड्रग से आपको टेबलेट्स बनानी है उसको आपको पाउडर फॉर्म में लेना है फर्स्ट यहाँ पे। देन फ्रेंड्स क्या करना है, आपको एक वीकॉन ब्लेंडर से लेना है। देन आपको क्या करना है, इस ड्रग्स को फ्रेंड्स यहाँ से डालना है और साथ ही में जो आपका एक्सीपिएंट्स है उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसमें ऐड करना है। देन आप चाहें तो फ्रेंड्स वन साइड से क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे मिक्सचर्स हो जाता है, देन इसको फ्रेंड्स यहाँ से पास कर लेते हो, साथ में क्या कर लेते हैं यहाँ पर डैम्प मास यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो यहाँ पे डैम्प मास प्रिपेयर होता है उसको हम क्या करते हैं फिर स्क्रीन की हेल्प से क्या करते हैं फ्रेंड्स लार्ज ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं।
यानी फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे मिक्सचर्स लिया, वीकॉन ब्लेंडर्स के अंदर डाला, देन फ्रेंड्स यहाँ पे टैंप मास की प्रिपेरेशन को साथ में हमने इसको स्क्रीनिंग करा दिया। देन फ्रेंड्स जो स्क्रीन होगी साइज़ में थोड़ी बड़ी होगी। देन फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसको फिर दोबारा से हीट कराते हैं, यानी हमें वेट फॉर्म में जो है यहाँ पे ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन होंगे, तो इनको फ्रेंड्स हमें ड्राई फॉर्म में ऑब्टेन करना है, इसलिए हम क्या करेंगे इनकी ड्राइंग करा देंगे। अब इसकी ड्राइंग फ्रेंड्स क्या होता है, हीट के थ्रू हम इसकी ड्राइंग कराते हैं, जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल से हॉट एयर ओवन, तो फ्रेंड्स उसके थ्रू क्या करते हैं हम इसकी ड्राइंग करते हैं। देन ड्राइंग करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारे ड्राई फॉर्म में यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं उसकी हम दोबारा से क्या करते हैं यहाँ पे स्क्रीनिंग करा देते हैं। अब फ्रेंड्स दोबारा से हम स्क्रीनिंग इसकी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हमने इसकी स्क्रीनिंग कराई थी, तो सेकंड जो फ्रेंड्स इसकी इतने जो इसके सीव्स के होल्स होते हैं इतने साइज़ के होते हैं जिससे हमें एक यूनिफॉर्म साइज़ का ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन हो सके, जो कि हमारी टेबलेट्स की प्रिपरेशन के लिए एसेंशियल्स हो। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद जो हमारे पास क्या है ग्रेन्यूल्स है उसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स दोबारा से हम एक वीकॉन ब्लेंडर्स लेते हैं, यानी डबल कॉन ब्लेंडर्स आप इसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट्स हमारे एक्सिपिएंट्स यानी डिसइंटीग्रेंट्स की यहाँ पे बची हुई है उसको डाल देते हैं, और साथ ही में जो हमारे यहाँ पे वेट फॉर्म में हमारे पास यानी ड्राई फॉर्म में हमारे पास ग्रेन्यूल्स है उसको इसके अंदर यहाँ से डालते हैं। देन फ्रेंड्स क्या होता है, इसके बाद जो हमें ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन हुए उसको हम क्या करते हैं कंप्रेस कराते हैं किसी भी डिजायर पंचिंग मशीन के थ्रू। देन फ्रेंड्स आपको जो टेबलेट्स यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर बन के हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, आपकी जो यहाँ पे वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस होती है फ्रेंड्स पूरी ही यहाँ पे कंप्लीट्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स इतना इजी है, आप इसको अगर डायग्राम को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस फ्रेंड्स इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे डायग्राम फ्रेंड्स नोट्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे ईजिली आप इस डायग्राम को समझ सकें और पूरी प्रोसेस ईजिली आप स्टडी कर सकें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे कवर करेंगे जिसमें कि हम आपके यहाँ पे ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस पूरी ही फ्रेंड्स कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।